कि ये मान के चलो कि तुम्हारी जेब में स्कॉर्पियो की चाबी है, अब ये आप बोलेंगे तो देश की सेवा कैसे होगी। हर एक में भर्ती हो जाते हैं, दौड़ क्लियर करते हैं, यानी फिजिकल पास करते हैं, इसके पीछे राज क्या है? सोशल मीडिया के अंदर अक्सर हमें पोस्ट पढ़ने को मिलती है कि वीरू फौजी एकेडमी के आज इतने बच्चे फलां भर्ती में भर्ती हो गए और आज फलां भर्ती के अंदर इतने बच्चे भर्ती हो गए। मतलब हर भर्ती के अंदर वीरू फौजी एकेडमी से जो निकले हुए बच्चे हैं वो हमेशा बाजी मारते हैं। तो YouTube के ऊपर वीरू फौजी के नाम से प्रसिद्ध वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं। वीरू जो आपका ये जो हर भर्ती में आपके बच्चे जो है बाजी मारते हैं, हर एक में भर्ती हो जाते हैं, दौड़ क्लियर करते हैं यानी फिजिकल पास करते हैं, इसके पीछे राज क्या है? राज ये है कि एक तो यहाँ का सिस्टम यह है कि एडमिशन के वक्त ही बच्चे को बता दिया जाता है कि एक तो 3 महीने तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, बीच में कोई भर्ती आ जाती है, एग्जाम आ जाती है तो छुट्टी मिलेगी। दूसरा, रात को 10 बजे बाद फ़ोन पे बात करते हुए मिल गया तो सुबह उठते ही लेटरिंग बाथरूम साफ करवाऊंगा, ये डंके की चोट पे कहते हैं। तीसरा है कि 10 से 15 दिन कुछ नहीं बोलते, नया नया बच्चा आता है घर से तो उसका फिजिकल पता नहीं होता, लेकिन जब उसका फिजिकल पता लग जाता है तो फिर लठ और गाली दोनों पड़ते हैं। तीसरा चौथा काम ये है कि डाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, इनकी जो डाइट है वो एकदम बढ़िया रहती है। तो डाइट रहती है, प्लस आपने रगड़ा पट्टी देखी है, उसमें ग्राउंड में हम छोड़ते नहीं बिल्कुल भी, सुबह और शाम दोनों टाइम। कोई एक्चुअल में दिक्कत हो जाती है तो बच्चों को रेस्ट दिया जाता है। पांचवा ये है कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना पड़ता है, वो चाहे गालियों के माध्यम से करें कैसे भी करें, इनको मोटिवेट करना पड़ता है कि दर्द हो रहा है तो दर्द की ऐसी की तैसी, या दर्द का डॉट 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 डॉट, तो इनको अपने आप वो बिल्डअप होती है एनर्जी का, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। कोई बच्चा थोड़ा भी डिमोटिवेट है तो उसको जोश दिलाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भर्ती में एक दूसरा भर्ती में जाके अगर ग्राउंड पे बैठते हैं तो वहाँ किसी का चेहरा देख के ये माइंड नहीं करना कि हो सकता है इसका 4 20 आ रहा हो, क्योंकि वहाँ बच्चे इतने कई नालायक आते हैं जो दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं। उनसे कई बच्चों की, तेरा टाइम कितना आ रहा भाई, मेरा टाइम तो 4 20 है। अब शक्ल देख के उसकी फट गई तो दौड़ कैसे करेगा? तो उसको बताया जाता है शक्ल पे कभी मत जाओ, खुद पे विश्वास रखो कि हाँ मेरा इतना टाइमिंग है तो है। एक चीज और है, अभी वीरू हमने अभी देखा कि आप जो फिजिकल करवा रहे थे एक्सरसाइज बच्चों की, तो आप तो बहुत जबरदस्त रगड़ाई करा रहे थे, तो ये क्या अमानवीय नहीं है? बच्चों के ऊपर इतना क्रूरता नहीं है? अब ये आप बोलेंगे तो देश की सेवा कैसे होगी? अमानवीय तो वो जो ट्रेनिंग में होता है वो भी है, वहाँ तो ग्रुप में शॉट पड़ते हैं, पैरों के बीच में मुंडी लगा के फिर स्पीड पड़ते हैं, यहाँ उतना नहीं होता है। इनकी रगड़ा पट्टी जो चलती है, आपने देखा होगा एक भी बच्चा यहाँ पे उदास है, दुखी है, कोई रो रहा था है कुछ ऐसा? मतलब आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके बच्चे जब फौज में जाएंगे तो वो कहीं जंगल में जाएं, पहाड़ में जाएं, मतलब कहीं भी घबराएंगे नहीं? मेरा बच्चा वहाँ पे जो ग्रुप होता है उसमें लीडर रहता है, क्वार्टर मास्टर हो गया, तो उन्हीं को मेन बनाया जाता है, और वहाँ से जो उस्ताद है उनके कॉल आते हैं तो मुझे खुद प्राउड होता है। आज इतने सारे बच्चे इंडियन आर्मी में हैं तो उनके उस्ताद भी यहाँ बच्चे भेजते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। कई मेजर साहब के बच्चे हैं, उनको मैंने एक एक महीने में तैयार किया है, क्योंकि उनकी तरफ से फुल परमिशन है। घर वालों का अगर कोई बच्चा का पिता ये बोलता है कि हड्डियाँ मेरी है खाल आपकी है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है, आपने देखा होगा नॉर्मली चलता है। अब आप स्पेशली बात कर रहे हैं मानवीय की कि मैं पैर रख रहा था उनके पेट पे, तो उससे ये है कि पूरी एनर्जी स्टोर करके बच्चा अपने पेट पे लेके आता है, सारी ताकत पेट पे लेके आता है, और पेट सबसे मजबूत होता है, तो पेट पे पैर रखते हैं तो वो एनर्जी इकट्ठा करना सीखता है। और यही चीज़ जब चौथे चक्कर में उनको चाहिए कि सारा सब कुछ खो चुका है अब क्या करें, तो वो जो पावर है उनकी वो वहाँ पर काम में आती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अभी एक्सरसाइज के आखिर में आप उनको सारे गामा वो सिखा रहे थे, तो ये क्या साथ में म्यूजिक की ट्रेनिंग भी चालू है? ये आप ऐसे देखिए, जैसे सिंगर हैं तो वो बोलते हैं सा सारे, अब उनका ख़त्म ही नहीं होता रे। जलोटा जी को देखिए आप, होता है कभी रे? अब उनका सबसे बड़ा राज ये है कि वो आइसक्रीम वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खाते। दूसरा, सुबह उठते ही जैसे साउथ के हीरो एक्सरसाइज करते हैं वैसे ये सारे जो सिंगर हैं वो सा सा रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 दा 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 नी 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 सा, तो इससे जो सांस का जो अपना जो सिस्टम है वो मजबूत होता है और इनको दौड़ने में बहुत पावर मिलती है, स्टेमिना बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टेमिना बढ़ता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए करवाते हैं क्योंकि मुझे खुद विश्वास है कि जो मैं इनको खिलाता हूँ, चाहे 5 प्रकार की दाल हो, सप्ताह में अंडे हो, मटन हो, चिकन हो, पनीर हो, खीर हो, तो मुझे अपनी डाइट पे भरोसा है और ये खाते हैं तो इन पे भरोसा है, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। नहीं, आप किसी आम लड़के को करवा के देखिए, 2 दिन में भाग जाएगा। मतलब आपके जो लड़के इतने भर्ती हो रहे हैं इसके पीछे का राज है कि ये जो कड़ी मेहनत आप कराते हैं, कड़ी मेहनत, अच्छी डाइट और दिमाग से एकदम स्ट्रांग, घर की कोई टेंशन नहीं लेनी, जो हो रहा है जो चल रहा है उसको चलने दो, अपने को फोकस अपने करियर पे करना है। कोई रिलेशन में शादी है तो गोली मारो शादी की, कल को जॉब नहीं लगी तो पड़ोसी भी यही कहेगा वो फलाने का बच्चा घर पे बैठा है उसको शादी में भेज दो, तो वो चीज़ें इनको बताई जाती है तो इनके दिमाग में आता है कि वाकई में चीज़ यही है। आज मोटरसाइकिल लेने की हिम्मत नहीं है, घर वालों ने दिलवा दी, वो लेके बर्बाद मत हो, उससे अच्छा है
फौज में लगो, लगते ही ट्रेनिंग कंप्लीट हुई बुलेट निकलवाओ, गांव में पूरे रुतबे से घूमो, बापू को भी प्राउड होगा कि मेरा फौजी का बाप हूँ। तो ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें उनको इतने मोटिवेट करती है। एक सबसे ज़्यादा बड़ी बात है वो तो मैं हमेशा हर एक बच्चे को कहता हूँ ग्राउंड पे कि ये मान के चलो कि तुम्हारी जेब में स्कॉर्पियो की चाबी है और स्कॉर्पियो शोरूम में खड़ी है, ऐसे पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कभी गाड़ी नहीं ले पाओगे। लेकिन एक जॉब ऐसी है, इससे मान सम्मान भी बढ़ेगा और स्कॉर्पियो पे अगर फौजी भी लिखवा रखा है तो ये कॉन्फिडेंस वाली बातें हैं, ये इनको मोटिवेट करती है, मजबूर करती है दौड़ने के लिए। दूसरा ये इनको एक चीज़ अच्छे से समझा देता हूँ कि या तो बेटा 3 महीने मेहनत कर लो, या दौड़ में नहीं आए तो 1 साल की पूरी ठुक जाएगी, अगले साल फिर तुम रगड़ा पट्टी करोगे 12 महीने। आज तुम चाहते हो कि मैं बिजनेस कर लूँ तो ये बिजनेस जो है 23 साल बाद में भी कर सकते हो। वीरू एक बात और देखिए कि मैंने यहाँ कई बच्चों को ऐसा को देखा है कि जब वो डिफेंस एकेडमी में जाते हैं वहाँ पे उनको खूब मेहनत कराई जाती है, तो कईयों के जैसे घुटने खराब हो गए, पैर खराब हो गए, तो क्या ये खतरा नहीं है? तो इसमें क्या है कि बच्चे की मेन डिपेंड डाइट पे करता है। अब आप 2-3 हज़ार रुपये के लालच में 5 हज़ार रुपये डिफेंस में जो ले रहे हैं वहाँ आप जा रहे हो, बच्चा सुबह दाल रोटी, दाल है कि नहीं भरोसा नहीं उसमें, दोनों टाइम का दूध बंद है, केले बंद है, चने बंद है, सोयाबीन बंद है, अंडे मटन चिकन तो दूर की बात है भूल ही जाओ, और वो नहीं खाते खीर पनीर ये भी भूल जाओ। तो जब डाइट नहीं मिल रही है तो घुटने जवाब नहीं देंगे तो और क्या होगा? मतलब डाइट में कैल्शियम चाहिए उनको, डाइट में कैल्शियम भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, जितने अपने शरीर को एनर्जी की आवश्यकता है वो एक मैंने पूरा वीडियो बना के लगा रखा है डाइट का, वो आप लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ अगर बच्चे के दर्द हो जाए तो। तो ये चीज़ें हैं जो बच्चों को मजबूत करती है। और इस बार आपने अजमेर में देखा होगा एक्सीलेंट और सुपर एक्सीलेंट बच्चों ने मारी है, लेकिन वो 3 महीने अगर बच्चा रह के कंटिन्यू मेहनत करता है तो ऐसा पॉसिबल है। 15 दिन 20 दिन वाले भी बच्चे आते हैं जिनकी रेस नहीं लग पाती है, लेकिन जो घर पे रनिंग कर रहा है फिर यहाँ 1 महीने भी रह गया तो आसानी से रेस लगा देता है। तो ये वीरू फौजी के जो बच्चे हर भर्ती के अंदर बाजी मारते हैं उसका राज तो आपने सुन लिया, अब थोड़ा झलक भी देख लीजिए कि किस तरह से वीरू फौजी अपने इन अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से उन्हें मेहनत करवाते हैं और क्या क्या एक्सरसाइज करवाते हैं, इसकी झलक इस वीडियो के अंदर आप आगे देखिए। चल बराबर लगते जाओ, दोनों हाथ खोपड़ी के पीछे हो, सुनाई नहीं दिया? अरे पीछे पैर मारते रहो, जिनके ऊपर से चला गया स्लोली स्लोली वन बाय वन चढ़ पे मारो वन बाय वन। Thank you.
बोला था।